हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ लक्की झा एंड हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो टॉपिक चल रहा है हमारा, देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो शुक्राणु जनन जो है, या शुक्र जनन जिसे कहा जाता है, ये किस तरीके से होता है। एंड स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो है वो एक मेल में किस प्रकार जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होएगा। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम है, जिसे ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है, मानव शुक्राणु का। अब ये जो स्पर्म बना है स्पर्मेटोजेनेसिस से, इसमें कुछ बहुत ही बेसिक से फीचर्स जो है वो पाए जाते हैं। आज हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे एकदम से, एंड अगले लेक्चर से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बढ़ेंगे। सो देखिए, ह्यूमन स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें देखें क्या होता है कि ह्यूमन स्पर्म का देखा जाए स्ट्रक्चर में, तो इट हैज़ फोर पार्ट्स, ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो चार पार्ट्स होते हैं। तो फोर पार्ट्स से ये मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला पार्ट होता है स्टूडेंट्स हेड वाला पोर्शन, ठीक है, यहीं पर मार्क कर देती हूँ। सेकंड पोर्शन है नेक, थर्ड है इसका मिडल पीस, यानी कि इसका जो मिड पार्ट है, मिडल पीस है, ये मध्य खंड होता है। एंड फोर्थ वन इज़ टेल, ठीक है, फोर्थ वन इज़ टेल। तो टोटली फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहेगा ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट स्पर्म है ना, वो ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो है वो ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा स्पर्म। लेकिन जो फर्टिलाइज्ड करने वाला जो एक्चुअल पार्ट है, मतलब कि जो यूज़फुल पार्ट है अगर देखा जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो केंद्रक है, ध्यान रखिए कि जो केंद्रक होता है स्पर्म का, वही मेन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जो एग है, एग के अंदर अगर अपन देखें, तो एग पहली बात तो स्पर्म से बड़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग के अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, अगुणित केंद्रक होता है। तो आधे क्रोमोसोम तो एग के अंदर होते हैं, एंड हाफ क्रोमोसोम जो है वो उसको स्पर्म से मिलेंगे। लेकिन जो स्पर्म के अंदर अगर अपन साइटोप्लाज्म कंटेंट की बात करें, यानी कि देखो एक बात समझना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एग भी एक सेल है और स्पर्म भी एक सेल है, ठीक है ना। तो दोनों सेल का फ्यूजन जब होगा, तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, एग के अंदर जो है ना वो सफिशियंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य जो है वो एक जो है जितना चाहिए है उतना अप्रॉक्सीमेटली एग के अंदर प्रेजेंट होता है पहले से। तो एग जो है यही मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करवा देगा जाइगोट को। लेकिन जो स्पर्म होता है ये बहुत ही कम अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म को लेकर आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसका साइटोप्लाज्म भी कहाँ है, कैसे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो स्पर्म भी एक सेल है, लेकिन ये एग के अगर अपन कंपैरिजन में कहें तो बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो मेनली यूजफुल पार्ट है वो है क्रोमोजोम वाला पार्ट, और क्रोमोजोम वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पाया जाएगा इसके हेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो स्पर्म का जो हेड रीजन है, इसके अंदर शीर्ष भाग के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखें नेक्स्ट, आगे देखते हैं। देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर एग की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज और समझ लेते हैं कि देखिए स्टूडेंट होता क्या है ना कि एग जो है, ठीक है, ह्यूमन एग जो है, इस एग के ऊपर दो लेयर्स पाई जाती है, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, सुरक्षा कवच होते हैं दो, ठीक है। एंड एग जब स्पर्म को एक एग के अंदर एंटर करना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना एक एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है, ठीक है ना। एक स्पर्म के अंदर केवल एक ही एक एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म जो है वो एंटर कर सकता है। अब इस कंडीशन में जो वॉल्स हैं एग की, ठीक है ना, एग की वॉल्स हैं, उनको रप्चर करने का काम जो है वो होता है स्पर्म के जस्ट टॉप वाले पार्ट का। देखिए आप यहाँ पर कि इसका जो हेड वाला पार्ट है, इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो एक्रोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। एक्रोसोम नाम की ये जो संरचना होती है, ये एक कैप से कवर होती है, जिसको अपन कहते हैं एक्रोसोमिक कैप, ठीक है। तो ये जो एक्रोसोम है, ध्यान रखिएगा, ये एकदम हेड पोर्शन पे पाया जाता है स्पर्म के, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो है वो एक कैप से कवर्ड रहता है, जिसको एक्रोसोमिक कैप कहते हैं। अब देखो इस एक्रोसोम में क्या होता है ना,
एक्रोसोम इज अ लाइसोसोम, इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, एक्रोसोम जो होता है वो लाइसोसोम का एक प्रकार होता है। लाइसोसोम तो जानते ही हैं, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सेल ऑर्गेनली जो कि डाइजेशन का काम करता है। तो देखिए, लाइसोसोम जो होते हैं ना, उसमें आपने पढ़ा होगा सेल के चैप्टर के अंदर कि इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक्रोसोम जो है ये भी एक तरीके का लाइसोसोम होता है। ठीक है, आप देखें इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इट कंटेन्स सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड स्पर्म लाइसिन, कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। ठीक है, देखो क्या होता है, एक बात समझना, जो एक्रोसोम है वो एक तरीके का लाइसोसोम हुआ। ठीक है, एंड लाइसोसोम का काम होता है कि एक सेल के अंदर जब भी कभी कोई फूड पार्टिकल आता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। ठीक है, अब लाइसोसोम जो है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर एक्रोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको कंबाइंडली कॉल, उनको बोलते हैं हम स्पर्म लाइसिन। ठीक है ना, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, स्पर्म लाइसिन होता है ये। एंड स्पर्म लाइसिन जो है ये काम करेगा जो है एग की वॉल्स को रप्चर करने का। ठीक है, क्योंकि देखो एग की जो वॉल्स होती है ना वो दो वॉल्स पाई जाएंगी, तो स्पर्म को एंटर करने के लिए सबसे पहले तो कि स्पर्म लाइसिन जो है वहाँ पर उसको डालना पड़ेगा। तो एक्रोसोम क्या करता है, जैसे ही एग के पास पहुँचता है तो जो पूरा का पूरा एक्रोसोम है वो फट जाता है, क्योंकि देखो लाइसोसोम का एक काम होता है रप्चर होने का, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रप्चर करके बाहर भी निकाल सकता है। तो एक्रोसोम ना एग के पास जाकर रप्चर हो जाता है, जिसके कारण ये स्पर्म लाइसिन सारे एग की वॉल्स पे चले जाते हैं और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह से जो है वो एनिमल पोल बोलते हैं अपन, एग के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है एनिमल पोल जिसको कहा जाता है, उस एनिमल पोल की जगह से जो है वॉल रप्चर हो जाती है एंड स्पर्म एंटर कर जाते हैं, समझे। तो स्पर्म लाइसिन जो है ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो एग की वॉल को रप्चर कर सकता है। तो इट रप्चर्स एग वॉल्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन के दौरान जो है अंडाणु की झिल्ली का भेदन करने का काम होता है स्पर्म लाइसिन। ठीक है, स्पर्म लाइसेंस का होता है, ये बात समझ में आ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर कि जो इसका हेड वाला पार्ट है इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात जो है वो आपको पता ही है, न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में मेन रोल प्ले करेगा, एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा। ठीक है, क्रोमोसोम से एंड डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, ये तो सब जानते ही हो आप। तो ये हो गया इसका हेड वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड नंबर पार्ट पे। देखिए सेकेंड पार्ट होता है स्पर्म का, वो है नेक। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि नेक वाला जो पार्ट है ना इसमें दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दिस। सबसे बाहर जो है वो आपको राउंडेड एक सेंट्रियोल मिलेगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो इसका नेक वाला पार्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर से मिलकर जो है वो इसका नेक पोर्शन बना होता है। सबसे पहले तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड सेकेंड वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में प्रेजेंट होना और डिस्टल का मतलब होता है दूर प्रेजेंट होना। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसलिए कहा गया है, इसको समीपस्थ तारक केंद्र कहा जाता है हिंदी में, और डिस्टल सेंट्रियोल को दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा है, जो सेंट्रियोल है उसको अपन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे, समीपस्थ। तो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे है उसको दूरस्थ तारक केंद्र कह देंगे, डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है दोनों के फंक्शन समझते हैं, दोनों सेंट्रियोल मिलके नेक वाला पोर्शन बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हम नेक पोर्शन में सेंट्रियोल के फंक्शंस पे आते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इसका इस समय पर तो कोई फंक्शन नहीं होता फर्टिलाइजेशन के समय, लेकिन जैसे ही इनिशिएशन पूरा हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ और जाइगोट बन गया, तो ध्यान रखिए जो मैंने आपको जाइगोट से जो है ब्लास्टोसिस्ट बनने तक का जो प्रोसीजर बताया था ना, क्लीवेज प्रोसेस जिसको कहते हैं अपन, तो जो अर्लियर सेल डिवीजन होता है जाइगोट का, उसको प्रमोट करने में मदद करता है सेंट्रियोल। ठीक है, कौन सा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ध्यान रखना कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका विभाजन करवाएगा युग्मनज के अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि युग्मनज एक स्टेबल एक सिंगल सेल होती है और उसको आगे डिवाइड करके ह्यूमन एम्ब्रियो बनाना होता है, मानव भ्रूण बनाना होता है। तो अब यहाँ पर जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मदद करेगा इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको, प्रमोट्स सेल डिवीजन इन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के पश्चात जाइगोट यानी युग्मनज में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम समीपस्थ तारक केंद्र का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अब बचा डिस्टल सेंट्रियोल, तो ध्यान रखना डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है कि ये जो इसका मिडिल पीस आप देख रहे हैं स्पर्म्स का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा तो नहीं होता, सबसे बड़ा टेल होता है, मतलब स्पर्म का जो मिडिल पार्ट जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें बीच में एक फिलामेंट है, इसको एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ये जो आप फिलामेंट देख रहे हैं पीछे की तरफ से, इसको एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, अक्षीय तंतु कहा जाता है इसको। ठीक है ना, अक्षीय तंतु होता है, एक्सियल फिलामेंट होता है। सो एक्सियल फिलामेंट जो है इसका मिडल पीस के अंदर फॉर्मेशन करने का काम डिस्टल सेंट्रियोल का होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टल सेंट्रियोल आप देख रहे हैं ना, ये एक्सियल फिलामेंट को बनाता तो है, लेकिन इस मिडल पीस के एंड में एक और सेंट्रियोल पाया जा रहा है जिसको रिंग सेंट्रियोल कहते हैं, वलय तारक केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में है, वलय के फॉर्म में, इसलिए इसको वलय तारक केंद्र कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल ने तो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन किया, लेकिन रिंग सेंट्रियोल जो है वो ध्यान रखिएगा कि रिंग सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट को टेल में जाने से रोकता है, क्योंकि एक्सियल फिलामेंट जो है वो सिर्फ मिडिल पीस तक होना चाहिए। ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी बना के रखता है, अपने मिडिल पीस की स्ट्रक्चर्स को बना के रखेगा। ठीक है, तो एक्सियल फिलामेंट टेल के अंदर एंटर ना करे इसकी गारंटी होती है रिंग सेंट्रियोल की। ठीक है ना, तो रिंग सेंट्रियोल इसको टेल में जाने से रोकता है, किसको? किसे? एक्सियल फिलामेंट को। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट को ये टेल में जाने से रोकेगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर तीन तरीके के सेंट्रियोल हो गए, दो सेंट्रियोल जो है वो नेक वाले रीजन में एंड एक सेंट्रियोल मिडल पीस के एंड में, रिंग सेंट्रियोल। ठीक है, अब आते हैं हम मिडल पीस पर। देखो, मिडल पीस वाला पार्ट जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि स्पर्म जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सीमन। ठीक है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो, एक सेल के अंदर ना केवल हम सोर्स ऑफ एनर्जी डाल सकते हैं। ठीक है, कि कोई जो आउटर मटेरियल होते हैं, जैसे कि सीमन था, सीमन के अंदर स्पर्म था, तो सीमन ने उसको फ्रक्टोज शुगर दे दी। लेकिन अब हाँ, आप जानते हो रेस्पिरेशन के टॉपिक से कि एनर्जी निकालने का जो काम है वो एक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो हम केवल जो है वो फूड सोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं कि शुगर प्रोवाइड करा दी। अब उस शुगर का ऑक्सीडेशन करके एक्चुअल में एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा, सेल वाले चैप्टर से जानते हैं आप इस चीज़ को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको यहाँ पर मिलना ज़रूरी है क्या? शुगर। तो जो भी शुगर सीमन से मिली थी, तो ध्यान रखिएगा कि ये आप देख रहे हैं रिंग लाइक मैनर के अंदर एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अरेंज होते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसमें पाए जाते हैं। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूसली स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी ग्लूकोज आई थी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, ये पूरे स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और ये एक एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ एक
कवरिंग बना लेते हैं, एक तरह से ना शीथ बना लेते हैं, आवरण। ठीक है, तो आवरण जो ये बनता है, जो शीथ है, इसको कहा जाता है नेबन कर्ण शीथ कहते हैं इसको। ठीक है, नेबर्न कर्ण आच्छद बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो नेबर्न कर्ण शीत जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू बनती है, और वो स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया के अरेंज होने के कारण बन जाती है। ये स्पाइरली अरेंज होते हैं एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में अगला आता है कि जो स्पर्म जो है वो एक सेल है, तो सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं मैनचेट। ये देखिए मिडल पीस में बीच बीच में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है स्पर्म का, उसको मैनचेट कहा जाता है। ठीक है ना, तो मिडल पीस के अंदर इतनी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, एक्सियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म यानी मैनचेट इसका, एंड रिंग सेंट्रियोल। यहाँ तक की संरचना जो है वो मिडल पीस के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, मध्य खंड में होगी। अब लास्ट वन पार्ट आता है टेल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की टेल जो है ये बिल्कुल फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन के छोटे छोटे फिलामेंट से मिलकर जो है वो टेल बनी होती है। एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये अपने स्पर्म का। ठीक है, तो ह्यूमन स्पर्म का सबसे लंबा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो पाया जाएगा टेल। अब ये जो टेल है, ध्यान रखिए स्पर्म को ये मूवमेंट करवाने का काम करता है कि स्पर्म गति कर सकें, शुक्राणु जो है वो गति कर सकें, उसका काम सारा होता है टेल का। और अभी जैसे मैंने बोला कि ये बिल्कुल फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, कशाप के जैसी एक संरचना होती है, तो ये इस चीज़ को बैठा लीजिए कि ये क्या होता है कि कुछ प्रोटीनिशियस फिलामेंट से बना होता है। तो टेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीनिशियस फिलामेंट विद अरेंजमेंट ऑफ नाइन प्लस टू। देखिए होता क्या है कि जब अपन TS कट करके देखें टेल का, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन के कुछ फिलामेंट मिलेंगे कुछ इस तरीके से कि इसमें सेंटर में दो प्रोटीन के ऐसे फिलामेंट होंगे। ठीक है, एंड इसकी पेरीफ्री पर जो है वो आपको नाइन फिलामेंट जो है वो आपको इसमें मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, जिस तरह से एक सीलिया के अंदर होते हैं उसी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो नाइन फिलामेंट्स होते हैं वो इसके अंदर पेरीफेरी पे पाए जाते हैं, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं टेल में, एंड सेंटर में टू फिलामेंट्स जो है वो रहते हैं। तो इनमें जो अरेंजमेंट है फिलामेंट्स का वो पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना 9+2 फिलामेंट इसमें पाए जाते हैं। समझे ना, ये चीज़ होती है। तो टेल का क्या काम हो गया, ये स्पर्म्स को मूव करने में मदद करते हैं कि फीमेल की वेजाइना से होते हुए, या फिर अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये पूरा मूवमेंट जो है वो टेल की मदद से करते हैं। फीमेल की वेजाइना से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जो जाने का पूरा पाथ है उसको क्लियर किया जाता है टेल की मदद से, एंड उसमें ये प्रोटीन्स फिलामेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो फर्दर स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि अपन मैंने कहा कि ये फ्लैजिला के जैसा है, तो अपन इसको सेल वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सेल के चैप्टर के अंदर सीलिया एंड फ्लैजिला की डिटेल स्ट्रक्चर आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप ये पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ख़त्म होता है ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, एकदम बिगनिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी सा टॉपिक बताया गया है। लेकिन वही वाली बात है कि इस चैप्टर के अंदर ना टर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो जो टर्म आप जब तक रिपीट नहीं करेंगे उस चीज़ को, तब तक जो है वो बैठेगा नहीं दिमाग में। और जहाँ तक कोशिश हो डायग्राम से ही करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग करने में, देखिए नीट के अंदर जो है वो आपको नीट के एग्ज़ाम में लेबलिंग करने के लिए डायग्राम ज़रूर आएगा, तो आप बार बार डायग्राम को बनाएं एंड खुद ही लेबलिंग कीजिए, तो नीट के अंदर जो है वो ये चीज़ आपके बहुत हेल्पफुल होगी। एंड अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा थ्योरी लिखते समय कि पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है, वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एंड साथ ही साथ में फिर उसके बाद उसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बायो में इंफॉर्मेशन इतनी है स्टूडेंट्स कि उसको आप लर्न नहीं कर सकते हो,
जब तक आपके सामने अगर डायग्राम अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के डायग्राम अवेलेबल होते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो विदाउट डायग्राम है, थियोरेटिकल हैं पूरे, ठीक है, तो जिसमें डायग्राम अवेलेबल है पहले उसमें डायग्राम बनाएं ज़रूर, क्योंकि इसके बिना जो है वो कभी भी हम सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि मेल का जो स्पर्म होता है वो किस तरीके से पाया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, कुछ हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि जो शुक्राणु जनन होता है, उसको पूरा होने के लिए कुछ हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एंड ये विदाउट हॉर्मोन्स जो है कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हमें मदद करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब भी कभी हमारी बॉडी में कोई हार्मोनल एक्शन होना है, ठीक है, तो उसका पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे ब्रेन के पास होता है, ठीक है। आपके जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एक स्टूडेंट ने जो है, एक शायद प्रेरणा नाम की स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो है वो एक पूरा लेक्चर बनाया जाए, तो आपको जल्द ही अवेलेबल होगा एक पूरी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, ठीक है, एक ग्लैंड्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा आपको। सो देखें, ग्लैंड्स जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो सभी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, एंड हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसीजर्स चलते हैं, जिसमें से एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस का टॉपिक, ठीक है। अब देखो, मेल में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले जो हार्मोन्स आने होते हैं वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में पहली आती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो देखिए, मेल की जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, थैलेमस पार्ट के जस्ट नीचे होती है, इसीलिए इसका नाम हाइपोथैलेमस होता है। ये सबसे पहले क्या करती है कि गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको GnRH, फुल फॉर्म लिख देती हूँ साइड में, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, गोनेडोट्रोपिन का मीनिंग क्या है, गोनाड्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन यानी कि गोनाड्स के लिए कोई हार्मोन सिक्रेट करना है, लेकिन उसमें रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग का मतलब होता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रेन एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि अब आप अपने रिप्रोडक्शन के जो हार्मोन्स हैं ना उसको सिक्रेट कीजिए, तो रिलीज़ करने के लिए हार्मोन्स को एक जो मैसेज है वो दिया जाता है ब्रेन की हाइपोथैलेमस ग्लैंड के थ्रू। लेकिन ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी ब्रेन में ही जस्ट एक छोटी सी एक ग्लैंड होती है, जिसको वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बात करें हम, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो यहाँ पर क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर, उनको गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन जो है वो प्रोवाइड होते हैं हाइपोथैलेमस से, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसके एंटीरियर, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसमें ऐसे आपको लोब्स मिलती हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, जिसमें से ये आगे वाली एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, तो दो तरीके की लोब्स जो होती है वो पीयूष ग्रंथि के अंदर पाई जाती है, एक मिडल लोब भी होती है लेकिन वो छुपी हुई रहती है। तो पोस्टीरियर यानी पश्च पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि, तो अग्र पीयूष ग्रंथि को मैसेजेस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के मिलते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू दो तरीके के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। देखिए,
दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होते हैं FSH और एक होते हैं LH हार्मोन, ठीक है, FSH एंड LH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, एंड LH हार्मोन का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो FSH की फुल फॉर्म देख लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH की फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आप इसको मेल के अंदर लेडिंग हार्मोन भी बोल सकते हो, ठीक है, सिर्फ मेल में, क्योंकि देखें फीमेल्स के अंदर भी LH हार्मोन आएगा, वहाँ पर आपको इसको सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कंसिडर करना है। सो यहाँ पर क्या होता है कि FSH के अंदर हम देखें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो देखिए फॉलिकल का मतलब होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो वन बाय वन सेल्स बनती रहती है ना, जैसे मैंने आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताया था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इन सबको फॉलिकल्स कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल्स बनते हैं इनको बनने के लिए स्टिमुलेट करना है, प्रेरित करना है, तो सेल डिवीजन को प्रेरित करने के लिए जो है वो FSH हार्मोन होता है। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन ज़रूरी होता है ना, सेल डिवीजन को ये करवाता है, ठीक है। जबकि LH हार्मोन के कारण आगे जाकर के जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस रेगुलेट होता है। देखते हैं क्या होता है। देखो FSH हार्मोन जो है एंड LH हार्मोन, इन दोनों को कहा जाता है स्टूडेंट्स गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ध्यान रखना गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन जो है वो कहा जाता है FSH एंड LH को कहा जाता है मिला करके, ठीक है। अब यहाँ पर FSH जो है ये तो काम करता है सर्टोली सेल्स पर, जबकि LH हार्मोन को मैंने लेडिंग हार्मोन कहा है, इसका मतलब ये लेडिंग सेल्स पे काम करेगा, लेडिंग सेल्स पे काम करता है। तो लेडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स जो है इनके ऊपर ये दोनों हार्मोन्स काम करेंगे। अब देखो पहली बात तो ये, सर्टोली सेल्स जो होती है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्टोली सेल के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको FSH रिसेप्टर कहते हैं। तो FSH रिसेप्टर जो है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे FSH बाइंड हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद में सर्टोली सेल्स जो है वो स्टिमुलेट कर देगी स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी सर्टोली सेल्स के पास में जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देंगी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगी, डिवीजन बेसिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेल डिवीजन को जो प्रमोट करना है, प्रेरित करना है, वो FSH के कारण होता है। लेकिन ये एक्ट किस पे करते हैं, सर्टोली सेल के ऊपर काम करते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स के कारण जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, LH हार्मोन जो होता है ना ये कभी भी जो है वो स्टार्ट नहीं करता स्पर्मेटोजेनेसिस को, लेकिन जो FSH हार्मोन है इसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो LH हार्मोन है, अभी अपन देखते हैं LH हार्मोन क्या करता है कि लेडिंग सेल्स पे काम करता है, और लेडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और मैंने आपको पहले बता रखा है लास्ट लेक्चर के अंदर कि सेमिनी, ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनके पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्टोली सेल्स के पास में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ABP, याद है ना आपको लास्ट लेक्चर से, वो क्या करेगी कि टेस्टोस्टेरोन जो कि लेडिंग सेल से सिक्रीट हुआ उसको अपने से बाइंड कर लेगी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेकर आ जाएगी, मतलब ये हार्मोन भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाएगा, यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वहाँ पर इस प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, उसकी देख रेख करेगा कि भाई ये प्रोसेस अच्छे से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेशन नहीं करता, रेगुलेशन करता है, जबकि FSH हार्मोन स्टिमुलेशन करवाने में मदद करेगा, प्रेरित करेगा शुक्र जनन को,
ये ध्यान रखना, ठीक है ना, शुक्राणुओं का निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का यानी शुक्राणु जनन का नियमन करने का ये काम करता है, ठीक है ना। आप देखो, ये तो मैंने इनके कॉमन से फंक्शन बताए हैं कि सर्टोली सेल्स जो है इसके थ्रू स्टिमुलेशन हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है FSH हार्मोन। LH हार्मोन के थ्रू लेडिंग सेल्स से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन करता है, ठीक है, शुक्र जनन का नियंत्रण। लेकिन अब देखो क्या होता है ना, सर्टोली सेल्स के और भी फंक्शंस हैं, ये अगर स्टिमुलेट होगी तो आप जानते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करेगी, जो स्पर्म्स बन रहे हैं उसको न्यूट्रिशन भी देगी और भी फर्दर कुछ डेड स्पर्म्स को उनका फेगोसाइटोसिस भी करेगी। मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों सर्टोली सेल्स के फंक्शन समझा रखे हैं, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम में आने वाली सेल है, ठीक है ना। तो सर्टोली सेल जो है इसके बहुत से फंक्शन होते हैं, अभी तो अपन ने सिर्फ इसके मेन फंक्शन की बात की है, इसको स्टार लगा लेना, ये मेन फंक्शन है इसका। टेस्टोस्टेरोन के भी और भी काम होते हैं, ये भी इसका मेन फंक्शन है, सिर्फ मेन फंक्शन। अब अपन बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के कुछ अदर फंक्शंस के बारे में। देखो बच्चों, होता यह है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है और सर्टोली सेल्स दोनों के दोनों एक जो है, ये जो प्रोसेस जिस प्रोसेस को ये रेगुलेट कर रहे हैं उसको समय पड़ने पर उसको कम भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या करती है, इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। मतलब जब कभी अगर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब उस कंडीशन में सर्टोली सेल्स इनहिबिन हार्मोन का भी सिक्रीशन कर देती है, इनहिबिन हार्मोन सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। इनहिबिन हार्मोन जब सिक्रीट होता है इसको मंदक हार्मोन कहा जाता है, यानी कि ये किसी भी एक्ट को इनहिबिट करता है, धीमा कर देता है। तो अगर कभी भी एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए, ज़्यादा स्पर्म बनने लग जाए, तब उस कंडीशन में ये इनहिबिन हार्मोन जो है ये एक नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, समझे, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ले जाएगा या डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर ले जाएगा। तो इनके पास जो है वो एक नेगेटिव फीडबैक इनहिबिन हार्मोन के थ्रू जाता है और ये सर्टोली सेल्स के थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ ही साथ में ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचा सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी हाइपोथैलेमस पर क्या पहुंचाएगा, नेगेटिव फीडबैक। तो ये दोनों में ही खास बात होती है कि सर्टोली सेल्स तो इनहिबिन हार्मोन के थ्रू करवाती है। तो अब कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स के पास कि यहाँ पर कि जो इनहिबिन हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करवा रहा है। तो ध्यान रखना, इनहिबिन हार्मोन तो सिर्फ सर्टोली सेल्स कर रही है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा है तो ये भी क्या करेगा कि एक नेगेटिव फीडबैक तो ये भी दे सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर या फर्दर प्रीवियस लेक्चर से कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।